हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्काई स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, तो आज जो है एच पी जी के से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आई हूँ और साथ में जो है ये हिस्ट्री के क्वेश्चन भी आज मैंने तैयार कर लिए हैं, तो इसके बाद हिस्ट्री की वीडियो भी डालूंगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो एंड तक देखें। ये जो है, ये जो मैंने आज क्वेश्चन लिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं जीके के। तो ये जो हैं अभी आई थिंक 2018 में एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछे गए थे। तो आपको पता है क्योंकि जीके जो है सभी में कॉमन है एचपी की, तो हमें हर तरह से तैयार रहना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, आप जो है मेरे चैनल पे जो है ये जीके की वीडियो और भी डाल रखी है मैंने, जैसे आई थिंक ट्रिक डाल रखी है रिवर से रिलेटेड, नदियों से रिलेटेड, और भी बहुत सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो आप ज़रूर उनको जाके देख लें एक बार। और जिन भी फ्रेंड्स ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन पर टिक करें ताकि कोई भी अपडेट हो मिल सके। और अगर आपका कोई फ्रेंड वगैरह तैयारी कर रहे हैं इसकी, तो आप उसके साथ भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, हत्तू चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, या हत्तू पीक बोल सकते हैं इसको, ठीक है, इंग्लिश में हत्तू पीक बोलेंगे। तो ये है शिमला जिले में है, शिमला में है, और दिस इज़ द सेकेंड हाईएस्ट पीक है शिमला की, मतलब दूसरी सबसे हाईएस्ट पीक है शिमला की, और जिसकी जो है समुद्र तल से जो है ये 3000 मीटर जो है अबव है, ठीक है, 3400 मीटर, ठीक है। अब पीक से रिलेटेड क्वेश्चन चला है, तो मैं आपको बता दूं कि हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी है, हाईएस्ट पीक इन एचपी, हाईएस्ट पीक, ठीक है, वो है हमारी शिला, ये आपको पता है शिला है, और जिसकी ऊंचाई है 7026 मीटर, ठीक है, समुंदर तल से। जो सेकंड हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट जो है वो है रियो पुर्गिल, ठीक है, और इसकी जो है वो है कितनी है ऊंचाई, 6791 मीटर अबव सी लेवल। और जो इसके बाद और भी पीक हैं, काफ़ी हैं, तो शिला पीक है कहाँ पे ये भी पता होना चाहिए आपको, ये है लाहौल स्पीति में, और जो रियो पुर्गिल है ये है किन्नौर में, किन्नौर में। तो ये पूछ सकते हैं सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, शिला, सेकंड है रियो पुर्गिल जो कि किन्नौर में है, ये सेकंड हाईएस्ट है। एक और क्वेश्चन जो आई थिंक ये कमीशन हुआ था उसमें पूछा गया था, चूरधार, चूरधार पीक कहाँ पे है, ये है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, सिरमौर में है हमारे पास चूरधार, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है ये चोलांग के से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन था ऑन विच माउंटेन रेंज चोलांग वैली सिचुएटेड, या चोलांग पर किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो चोलांग जो है वो है धौलाधार रेंज में है, धौलाधार ये धौलाधार रेंज में है, ठीक है, और है कहाँ पे, कांगड़ा में, कांगड़ा में है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है अभी प्रीवियस कमीशन में पूछा गया है कि चोलांग पीक जो है कौन सी रेंज में है, किस पर्वत श्रृंखला में है, तो ये है हमारी धौलाधार रेंज कांगड़ा में पड़ती है ये, और चूरधार का ये भी पूछा जाता है ये सिरमौर में है, और शिला लाहौल स्पीति में है, पुर्गिल किन्नौर में है, और हत्तू चोटी जो है वो शिमला में है, ठीक है। तो ये थे कुछ एक क्वेश्चन पीक से रिलेटेड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे पूछे गए हैं इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया ये। नेक्स्ट है छड़ी यात्रा प्रारंभ होती है कहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये चंबा से स्टार्ट होती है छड़ी यात्रा, ये मेनली किससे रिलेटेड है, ये अमरनाथ से रिलेटेड है, अमरनाथ यात्रा, इसमें जो है भगवान शिव की छड़ी जो है मुबारक, छड़ी मुबारक भी बोलते हैं इसको, छड़ी यात्रा, ये छड़ी मुबारक, तो ये चंबा से स्टार्ट होती है, इसमें जो है शिव की छड़ी मुबारक की पूजा अर्चना जो है की जाती है। तो ये पूछ सकते हैं छड़ी यात्रा किससे रिलेटेड है, मणिमहेश से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट है कौन सा राज्य हिमाचल प्रदेश की दक्षिण पूर्व में स्थित है, तो ये है उत्तराखंड, तो इसको याद करने के लिए मैंने जो है ये सारा कुछ बता देती हूँ, ऐसे आप कर सकते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, वेस्ट, ईस्ट।
तो जो नॉर्थ है हिमाचल का, उसमें जम्मू एंड कश्मीर है, JK है। जो बेस्ट है उसमें पंजाब, ठीक है। अब साउथ में हमारे पास है हरियाणा, और ईस्ट में हमारे पास तिब्बत, तिब्बत, ठीक है। और जो साउथ ईस्ट है, ये है साउथ ईस्ट, तो यहाँ पे है हमारा उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है। तो ये हैं सारे, ये बाउंड्रीज पूछी जाती हैं, तो ये आप जरूर कर लेना। नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, तिब्बत और उत्तराखंड, ठीक है। ये है हमारे पास। नेक्स्ट है कंजुम दर्रा, प्रसिद्ध है ये, मेनली जो है स्पीति घाटी का है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो कंजुम दर्रा है वो किसको कनेक्ट करता है। तो ये कनेक्ट करता है कुल्लू वैली एंड लाहौल वैली विद स्पीति वैली, मतलब कुल्लू और लाहौल को स्पीति वैली से ये जोड़ता है। इट कनेक्ट कुल्लू एंड लाहौल विद स्पीति वैली, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ, इट कनेक्ट कुल्लू एंड लाहौल वैली विद स्पीति वैली, या सिंपल बोल सकते हैं कुल्लू को ये जो जो है स्पीति वैली से जोड़ता है, कुल्लू एंड लाहौल को स्पीति वैली से जोड़ता है। नेक्स्ट है शिमला नगर पालिका का निर्माण किस वर्ष हुआ था, या शिमला म्यूनिसिपैलिटी, व्हेन शिमला म्यूनिसिपैलिटी वाज क्रिएटेड, इन विच ईयर। तो ये है 1851 में हुआ है। तो फ्रेंड्स ये वाला जो क्वेश्चन है, क्योंकि ये मैंने बोला आपको प्रीवियस पेपर में से लिया गया है, तो उस पेपर में जो है ऑप्शन जो है 1851 की दी ही नहीं थी उसमें, उसमें 1850 दिया हुआ था, और आई थिंक 1870 दिया हुआ था, 71, 75 ऐसे करके दिए हुए थे। तो मैं आपको बता दूं, ये जो है नगर पालिका निर्माण जो है दिसंबर 1851 में हुआ है, और अंडर द प्रोविजन एक्ट ऑफ लीज एक्स एक्स, ये रोमन वैल्यू है 26 ऑफ 1850, 1850 के जो प्रोविज़न है, एक्ट है इस अंडर, उसके थ्रू जो है ये निर्माण हुआ था। तो अगर आपको जो है उसमें जो है 1850 की ऑप्शन दे रखी है, 51 की ऑप्शन नहीं दे रखी है, तो आपने 50 पे टिक लगाना है, ठीक है। बट मेनली जो है ये दिसंबर 1851 में हुआ है। अगर आपको 1850 और 51 की जो है ऑप्शन दे रखी है, तो आपने 51 पे लगाना है। बट अगर कहीं भी 1851 की ऑप्शन दे ही नहीं रखी है, 1875 या कुछ दे रखा है, तो आपने 1850 पे लगाना है, ठीक है। इस एक्ट के थ्रू जो है 1850 में इस एक्ट के थ्रू जो है इसका निर्माण हुआ था, तो 1850 भी पूछ सकते हैं वो। नेक्स्ट है कारावासी अपराधियों के लिए प्रसिद्ध जुब्बल नारायण अवस्थित है, या जुब्बल नारायण ये जेल है जिसमें कारावासियों को रखा जाता है। जुब्बल नारायण जेल जो है कहाँ पे है, ये है कुमारसेन, जो कि शिमला में है, कुमारसेन में है जुब्बल नारायण ये जेल है जिसमें अपराधियों को रखा जाता है, तो ये शिमला में है। नेक्स्ट है खीर गंगा गर्म पानी का सोता अवस्थित है, कहाँ पे है ये खीर गंगा हॉट वाटर, तो ये कहाँ पे है, ये है कुल्लू में है, ये कुल्लू में है, और ये मेनली जो है ब्यास नदी के किनारे हैं, ब्यास नदी के किनारे। तो ये भी पूछ सकते हैं, जो ये खीर गंगा हॉट वाटर स्प्रिंग है ये कहाँ पे है, ये ब्यास नदी के किनारे हैं, कहाँ पे, कुल्लू में है। नेक्स्ट है 1740 में कांगड़ा किले का अंतिम मुगल गवर्नर कौन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हमेशा। तो 1740 में जो कांगड़ा जिले का अंतिम मुगल गवर्नर था वो था सैफ अली खान, सैफ अली खान, नवाब सैफ अली खान। तो जो हमारे हीरो हैं सैफ अली खान, उनके नाम पर आप याद कर सकते हैं कि अंतिम मुगल गवर्नर थे 1740 में। तो नेक्स्ट है नगरकोट किसकी शक्ति और प्रतिष्ठा की गद्दी थी, नगरकोट, तो आपको पता ही है नगरकोट किसका नाम है, ये हिस्टोरिकल जो है ये कांगड़ा का है, कांगड़ा को ही नगरकोट बोला जाता है, त्रिगर्ता कांगड़ा को ही बोला जाता है। तो ये सारे जो है कांगड़ा से रिलेटेड हैं, नेम ही पुराने नेम है ये।
प्राचीन नेम है इसके कांगड़ा के। और ये जो है, जब भी आपको नगरकोट या कांगड़ा की बात आती है तो वो कटोच राजवंश से रिलेटेड आती है, क्योंकि कटोच राजवंशी से जो मेन उस वहाँ पे जिनका मतलब काफ़ी प्रभाव था, किसके शक्ति और प्रतिष्ठा की गद्दी थी, कटोच राजवंश। ठीक है, नो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे, कौन थे लोकायुक्त हिमाचल प्रदेश के? ये थे न्यायाधीश TV R टाटाचारी। तो ये थे हमारे फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, चित्रकला की कांगड़ा शैली का केंद्र था। आपको पता है कांगड़ा की जो ये पेंटिंग है बहुत ही फेमस है, कांगड़ा पेंटिंग। तो जो इसका मेन जो सेंटर था वो था सुजानपुर टेरा, सुजानपुर में था। ये पूछ सकते हैं, हु वाज द मास्टर पेंटर ऑफ कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग, कि कौन सा ऐसा मास्टर पेंटर था जो कांगड़ा स्टाइल की पेंटिंग करता था, वो थे राजा संसार चंद। तो मैं लिख देती हूँ, हु वाज मास्टर पेंटर ऑफ कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हैं राजा संसार चंद। और कांगड़ा पेंटिंग में मेनली जो है, जो कांगड़ा पेंटिंग होती है उसमें राधा एंड कृष्ण के बारे में, जो उनकी लव स्टोरीज हैं उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया जाता है। तो राजा संसार चंद जो हैं कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, तो मेनली जो हैं वो उनकी पेंटिंग करते थे। तो ये भी पूछ सकते हैं किसका है ये राधा कृष्ण के, मेनली राधा कृष्ण की पेंटिंग्स करते हैं। नेक्स्ट है, त्रिलोकपुरी मंदिर किसकी मूर्ति का भवन है, मतलब कौन सी मूर्ति है वहाँ पे? वो है त्रिपुर बालासुंदरी की, बालासुंदरी। ये ऐसे पूछ सकते हैं, त्रिलोकपुरी बालासुंदरी मंदिर ये है कहाँ पे? ये है नाहन टाउन ऑफ सिरमौर, नाहन टाउन ऑफ सिरमौर, सिरमौर में है ये, नाहन में। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं, बालासुंदरी से रिलेटेड हमेशा पूछा जाता है, त्रिलोकपुरी बालासुंदरी मंदिर कहाँ पे है, ये त्रिलोकपुरी मंदिर किसकी मूर्ति का भवन है, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फलों के नींबू वंश किस्म की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, कौन सा होता है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है नींबू की फसलें जो है हम उगा सकते हैं? तो वो है शिवालिक पहाड़ियाँ। तो फ्रेंड्स, इस रिलेटेड मैंने वीडियोस भी डाली हैं जिसमें मैंने लोअर हिमालय, आउटर हिमालय और मिडिल हिमालय, इनर हिमालय के बारे में बताया हुआ है। तो ये शिवालिक जो पहाड़ियाँ हैं वो मेनली लोअर हिमालय में बोलते हैं हम, लोअर हिमालय या मानक पर्वत भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हैं ये इनमें आती हैं ये शिवालिक पहाड़ियाँ जो हैं। और कौन कौन से एरिया आते हैं, जैसे हमारा ऊना हुआ, हमीरपुर हुआ, हमीरपुर, बिलासपुर, बिलासपुर हुआ, कांगड़ा हुआ, पालमपुर हुआ, ये सारी की सारी जो है शिवालिक हिल में रिलेटेड हैं। तो ये वाले जो एरियाज़ हैं बहुत स्टेबल हैं नींबू के लिए। और कौन कौन सी फसलें इसमें उगाई जा सकती है, जैसे गेहूँ, मक्का हुआ, गन्ना हुआ, अदरक हुआ और आलू। जो अगर पूछे कि मतलब गन्ना, मक्का, गेहूँ, ठीक है, तो ये सारी की सारी इस एरिया में उगाई जा सकती हैं, और साथ में नींबू। ठीक है, तो ये पांच छह फसलें हैं जो कि शिवालिक हिल्स में सबसे ज़्यादा उगाई जाती हैं, शिवालिक पहाड़ियाँ। ये जो वीडियो आप जरूर मेरी देखे प्रीवियस उसमें प्लेलिस्ट में जाके। नेक्स्ट है, एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर हिमाचल में कहाँ स्थित है? तो ये है शिमला में। और ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? ये हुआ था दिसंबर 1972 में, इसकी स्थापना हुई थी बाय द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भी पूछ सकते हैं किस मिनिस्ट्री के थ्रू हुआ था, तो ये मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। और इसमें जो है क्या करते हैं ये रिसर्च और इन्वेस्टिगेटिंग करता है इन द एग्रीकल्चर फील्ड में, मतलब एग्रीकल्चर फील्ड की जो है जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है, ये रिसर्च होती है वो करता है, ये शिमला में है। नेक्स्ट है, किस वर्ष हिमाचल प्रदेश स्कूल बोर्ड की स्थापना हुई थी?
तो फ्रेंड्स ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, तो अगर आपके पास कोई बुक पड़ी है तो आप मुझे उसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, क्योंकि जब मैंने ये प्रीवियस पेपर जो आया हुआ है उसकी सॉल्ट जो मैंने देखा तो उसमें उन्होंने बताया हुआ है 1975 में हुआ, बट जब मैंने ये नेट पे सर्च किया तो नेट पे 1969 लिखा हुआ है, 1969 में स्कूल बोर्ड की स्थापना हुई थी, जबकि पेपर में जो है 1967 का कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, वहाँ पे 1971, 72, 75 और 78 का ऑप्शन दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू नेट जो है 1969 है स्कूल बोर्ड की स्थापना, और जो पेपर सॉल्व हुआ है उसमें ऑप्शन ही नहीं दे रखी है, तो वहाँ पे 1975 पे ये टिक लगाया हुआ है। तो अगर आपके पास जो है कोई बुक पड़ी है इससे रिलेटेड तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि एचपी बोर्ड की कब हुई थी, और एचपी बोर्ड से रिलेटेड, एचपी बोर्ड स्कूल एजुकेशन की स्थापना तो पूछी जाती है, साथ में जो है ये भी पूछा जाता है एचपीयू की, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की कब हुई थी, ये हुई थी 22 जुलाई 1970 को, और एचपी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इसकी हुई है 8 अप्रैल, 8 अप्रैल 1971 को। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट वाइस चांसलर कौन थे एचपीयू के, तो वो थे आर के सिंह या रामकरण सिंह, तो एचपीयू के फर्स्ट वाइस चांसलर थे रामकरण सिंह, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड मुझे ज़रूर वीडियो में आप कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। नो नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में शहरी जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत है, कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस में पाई जाती है शहरी की, तो ये है शिमला, क्योंकि आपको पता है शिमला हमारी कैपिटल है, तो वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या है। नेक्स्ट है, किस वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश में प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे, ये लास्ट पेपर आई थिंक टेट हुआ था ये मेडिकल का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये 1951 में हुए हैं, 1951 में, ये क्वेश्चन हमेशा मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है एचपी टेट में, 1951 में। नेक्स्ट है, नौला लोक नृत्य किस घाटी में पाया जाता है, तो ये चंबा में पाया जाता है, और किस रिलेटेड है ये, लॉर्ड शिवा से रिलेटेड है, भगवान शिव से रिलेटेड है, जो परफॉर्मर होते हैं वो मेनली जो है ड्रामा प्ले करते हैं शिव की लाइफ में, मतलब शिव जी की लाइफ को वो पूरा डिस्क्राइब करते हैं थ्रू ड्रामा, तो ये लॉर्ड शिवा से रिलेटेड है नौला लोक नृत्य, जो कि चंपा में बहुत फेमस है। नेक्स्ट है, बहादुरपुर किला के हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये है बिलासपुर में बहादुरपुर किला, और ये किसने बनाया था, तो दिस इज़ बिल्ट बाय, ये है राजा केशव चंद ने, केशव चंद इन 1620 AD, 1620 ईस्वी में जो है ये केशव, राजा केशव चंद ने बनाया था बहादुरपुर किला, जो कि हमारे बिलासपुर में है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ एक क्वेश्चन, तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, तो फ्रेंड्स इसी तरह तैयारी करते रहे तो हमारा सिलेबस जल्दी हो जाएगा, वैसे एचपी जीके पैडागोजी रहती है अभी, अभी काफ़ी है वैसे तो, चलो देखते हैं कितना होता है, तो हैव ए गुड डे फ्रेंड्स।